हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब सही होंगे। आज हम आपको मिर्चा का अचार बनाने की विधि बताने जा रहे हैं, तो हमारी पूरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे हर आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम इस तरह के वीडियोस डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मिर्चा का अचार बनाने के लिए आपको सबसे पहले किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी। मिर्चा बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, हींग, नमक स्वादानुसार। इन सारे मसालों को कढ़ाई में भूंज लें, उसके बाद एक साथ मिक्स करके पीस लें। अब इन सारे मसालों को एक कटोरे में निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें सरसों का तेल डालिए और तेल डालने के बाद सरसों के तेल में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब वो सभी मिर्चें जो आपने पहले से छीरा लगा कर रखे हैं, उनमें सही मात्रा में मसाला भर भर के एक जार में रखते जाएं। जब आपका जार भर जाए तब आप उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाल दीजिए। उसके बाद उसको ढक्कन लगा कर धूप में एक हफ्ते तक सुखाइए। एक हफ्ते बाद जब आप इसे खोल कर देखेंगे तो खाने के लायक अच्छा सा अचार तैयार हो जाएगा। अब खाने में सर्व कीजिए। फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये हमारा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और किस किस को पसंद है मिर्ची का अचार खाना, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आप किस रेसिपी पर देखना चाहेंगे। आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे हम उस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ बना के दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनय गुड लाइफ। फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं उसका नाम है पल्लवी शुक्ला, और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी मुझे मिर्चे का अचार बनाना सिखा रही हैं, जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ।